सो आई थिंक वी हैव स्टार्टेड विथ टॉर्क्स इन द लास्ट क्लास. तो मैंने थोड़ा फास्ट ले लिया था बिकॉज टाइम नहीं था, तो आज मैं एकदम आपको धीरे धीरे बताता हूँ टॉर्क क्या होता है. देखो जो फोर्स होता है, हमने फोर्स पढ़ा ना न्यूटन्स लॉज में, फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी यूजिंग सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, हमने ये देखा था फोर्स. तो जब भी हम फोर्स की बात करते हैं इन न्यूटन्स लॉ, तो इसका मतलब एक्चुअली में यही होता है कि भाई कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है, आपने से फोर्स लगाना शुरू किया, तो इसमें क्या होगा, एक्सिलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा. या कोई एक्सिलरेटिंग ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट एक्सिलरेट कर रहा है, आपने इसमें फोर्स ऐसे लगाया, ठीक है, तो कोई एक्सिलरेटिंग ऑब्जेक्ट ऐसे है, इसमें फोर्स फोर्स पीछे की तरफ लगा, तो देन व्हाट हैपेंस, इसमें इस दिस विल कम इवेंचुअली टू रेस्ट. सो फोर्स का हमने ये तो चीज देखा, दैट्स क्वाइट गुड. लेकिन फोर्स के फोर्स की वजह से कभी कभी रोटेशन भी प्रोड्यूस होता है. जैसे आपने देखा होगा, जब मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया ही है कि अगर मान लो डोर, आपका डोर यहाँ से हिंज्ड है, दिस इज एक्सिस ऑफ द डोर, करेक्ट, आपने फोर्स ऐसे लगाया, ठीक है, आपने फोर्स ऐसे लगाया, तो जब आपने फोर्स ऐसे लगाया, देन व्हाट हैपेंस, एक्चुअली फोर्स आपने ऐसे लगाया, तो देखो डोर में एक रोटेशन प्रोड्यूस होता है, होता है कि नहीं होता है. आप देखो, आप टैप को ओपन करते हो, टैप को ओपन करने के लिए फोर्स कैसे लगाते हो, ऐसे लगाते हो, करेक्ट. तो ये जो रोटेटिंग इफेक्ट है इस फोर्स का, उसको हम टॉर्क बोलते हैं, ठीक है. तो फोर्स की वजह से देखो क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन तो प्रोड्यूस हो ही रहा है, लेकिन फोर्स की वजह से रोटेशन भी प्रोड्यूस हो सकता है, करेक्ट. और जब यही फोर्स रोटेशन प्रोड्यूस करता है, रोटेशन मतलब समझ रहे हो ना आप, एक एक्सिस के अबाउट इसमें इसका सर्कुलर मोशन, एक एक्सिस के अबाउट सारे पॉइंट सर्कल में मूव कर रहे होंगे. रोटेशन मतलब क्या हुआ, जैसे अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई जो मेरा डोर है, डोर इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल एक्चुअली, ठीक है, डोर है मेरा, ये इतना डिस्टेंस मूव किया, इतना, तो इसका मतलब क्या हुआ, डोर के जितने भी पार्टिकल्स थे सबने एक सर्कल, सब सब पार्टिकल्स ने एक सर्कल कवर, मतलब सर्कुलर पाथ में मूव किए होंगे सारे पार्टिकल्स, है कि नहीं है. एक एक्सिस के अबाउट जितने भी पार्टिकल्स हैं सब एक सर्कुलर पाथ में मूव किए होंगे, ठीक है कि नहीं बच्चों. यस सर, सो रोटेशन का मतलब ये होता है. तो फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स यहाँ पे ट्रांसलेशन तो प्रोड्यूस कर ही सकता है, प्लस फोर्स रोटेशन भी प्रोड्यूस कर सकता है. तो जब जब ये फोर्स रोटेशन प्रोड्यूस करता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टॉर्क, ठीक है, फोर्स दैट प्रोड्यूसेस रोटेशन. तो फोर्स दैट प्रोड्यूसेस रोटेशन, टर्म डैश टॉर्क. अब देखो हमने इसको अलग क्यों बोला, व्हाई वी आर सेइंग टॉर्क इज, हमने इसको फोर्स ही क्यों नहीं बोल दिया, क्योंकि टॉर्क जो है केवल और केवल फोर्स पे डिपेंड नहीं करता है, टॉर्क जो है एक और फैक्टर पे डिपेंड करता है. चलो अभी आप देखो, आप अपने घर का दरवाजा ओपन करते हैं, तो हैंडल कहाँ पे बना रहता है, मान लो आपका घर का डोर है और ये एक्सिस है, ठीक है, दिस इज एक्सिस, कोई भी डोर ले लो आप, तो एक्सिस देखो हमेशा एकदम इसमें जो हैंडल रहता है वो एकदम ऐसे एंड में बना रहता है, रहता है कि नहीं है, एक्सिस ऑलमोस्ट समवेयर ओवर हियर. यहाँ पे क्यों नहीं बनाते हैं एक्सेस, कभी सोचे अपने एक्सेस यहाँ पे क्यों नहीं बना देते हैं, या एक लंबा सा एक्सेस बना देते थे वो, तो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, जहां से हमारी मर्जी हो, वी कैन जस्ट पुल दैट डोर. रीजन बीइंग, जितना ज्यादा आपका ये एक्सेस होगा, उतना कम आपको फोर्स लगेगा, मतलब आपका जो फोर्स, जो आप कितना फोर्स लगाओगे, दैट डिपेंड्स ऑन दिस डिस्टेंस ऑल्सो, समझ रहे हो. हो सकता है एकदम एकदम आप एंड एंड पॉइंट लोगे यहाँ पर, तो यहाँ पे जो फोर्स होगा, ये जो फोर्स होगा, ठीक है, ये जो फोर्स होगा, दिस फोर्स इज एक्चुअली, ये फोर्स अगर मान लो 10 न्यूटन है, तो हो सकता है अगर यहाँ से लो एकदम मिड पॉइंट, तो हो सकता है फोर्स बढ़ जाएगा, दिस फोर्स विल इंक्रीज. आप करके देख लेना, आप डोर को ओपन करने का कोशिश करना यूजिंग सम एकदम ऐसे एंड एंड वाले पॉइंट्स पर, तो देखो आपका फोर्स बहुत बढ़ जाता है, ठीक है. तो टॉर्क जो, जब भी हम टॉर्क की बात करते हैं, तो टॉर्क कौन कौन से दो चीजों पर डिपेंड कर रहा होगा, एक फोर्स पर तो डिपेंड कर ही रहा होगा, ठीक है, दूसरा ये डिपेंड करता है
परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो देखो दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन. समझ में आई बात की नहीं आई? यस. तो इसको अगर मैं एफ बोल देता हूँ, इसको मैं आर बोल देता हूँ, तो जो मेरा टॉर्क होता है, टॉर्क को मैंने बताया आपको इस सिंबल से लिखते हैं, ये हो गया मेरा आर. तो टॉर्क इज व्हाट? एफ इंटू आर. दिस इज द फॉर्म. तो यहाँ पे आर क्या है? आर आपको समझ में आ गया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहता है, हमेशा ध्यान रखना. ठीक है, दिस इज व्हाट? दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस. दैट मीन्स व्हाट? अगर सपोज, ठीक है, एनीवेज वी हैव टू टेक परपेंडिकुलर डिस्टेंस. आई डोंट थिंक इसमें आपको कुछ इतना पूछ सकता है. ठीक है, टू टेक परपेंडिकुलर डिस्टेंस. समझ में आई बात कि नहीं आई बच्चों? समझ में आई बात? यस सर. यस. सो अब देखो, तो अब फॉर एग्जांपल जब आप कोई पुली को मूव कर, पुली को रोटेट कराते हो, करेक्ट? तो पुली किसकी वजह से रोटेट हो रही होगी? फोर्स की वजह से तो रोटेट हो रही है, लेकिन हम वहां पर उसको फोर्स ना बोल के हम क्या बोलते हैं? टॉर्क कितना लग रहा है पुली में, हम उसकी बात करते हैं. क्योंकि मैंने आपको बताया ये जो रोटेशन है ना, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन, इस पर डिपेंड कर रहा है ये रोटेशन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस. मतलब किस डिस्टेंस पर आप फोर्स लगा रहे हो उस पर भी ये डिपेंड कर रहा है. जैसे डोर के केस में यहाँ पर फोर्स लगाओगे तो हो सकता है कम लगे, यहाँ पर फोर्स लगाओगे तो ज्यादा लगेगा, करेक्ट? तो आप फोर्स किस पॉइंट पर अप्लाई कर रहे हो उस पर भी रोटेशन का फैक्टर डिपेंड करता है. तो इसीलिए हम जब भी टॉर्क की बात करेंगे तो वहां पर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन की भी बात करेंगे. ठीक है, तो पुली के केस में अब देखो, ऑब्वियस सी बात है, पुली का एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ना, ये हो जाएगा. तो मान लो फोर्स हमने ऐसे लगा, ये आर हो गया, तो इस केस में टॉर्क कितना हो गया? एफ इंटू आर. हो गया कि नहीं हो गया? देखो ये परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा? फोर्स यहाँ पर ऐसा, ये दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द फोर्स. आर हियर इज एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर टू द फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ओके, अब मुझे बताओ, तो अब ये जो फोर्स इस पुली को कैसे घुमाएगा? ये वाला फोर्स इस पुली को ऐसे घुमाएगा, विल जस्ट रोटेट दिस पुली लाइक दिस. ठीक है, अभी देखो मान लो मैं एक फोर्स ऐसे लगा रहा हूँ और दूसरा फोर्स यहाँ पे ऐसे लगा रहा हूँ. ठीक, या चलो एक फोर्स ऐसे लगा रहा हूँ और दूसरा फोर्स मैं ऐसे लगा रहा हूँ. ये एफ वन है, ये एफ टू है. ठीक है, तो ऑब्वियसली ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, डिस्टेंस तो सेम रहेगा ना, रेडियस तो सेम ही रहता है. तो अब बताओ यहाँ पर ये पुली जब घूमेगी तो यहाँ पे नेट टॉर्क कितना होगा? नेट टॉर्क जो होगा यहाँ पर कितना होगा, कोई बताएगा? मैंने आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड दिस केस. तो देखो अब बच्चों आप सोच सकते हो कि हम यहाँ पे टॉर्क, नेट टॉर्क जो है वो कैसे निकालेंगे, करेक्ट? तो उसके लिए देखो एफ वन वाले की वजह से टॉर्क देख लो कितना लग रहा है, कितना लग रहा होगा एफ वन वाले की वजह से? एफ वन वाले की टॉर्क बिकॉज ऑफ सर R into bracket F1 plus F2. F. अब लेकिन टॉर्क में जो हमें दूसरी चीज देखना है वो ये है कि किस डायरेक्शन में पुली रोटेट कर रही है. F1 की वजह से चलो इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, ठीक है, और टॉर्क ड्यू टू F2 की वजह से किस डायरेक्शन में पुली रोटेट कर रही है? सेम डायरेक्शन में रोटेट कर रही है ना. देखो F1 और F2 दोनों की वजह से पुली जो है सेम डायरेक्शन में रोटेट कर रही है. इनफैक्ट आप करके कभी इस चीज को देख लेना, आप एक सर्कल लो या आपका क्विक सिलेंडर लो, पेन ले सकते हो आप, करेक्ट? तो जब आप पेन में या बॉटल का कैप लो, करेक्ट, बॉटल का कैप इज अ वेरी गुड एग्जांपल. जब आप एक फोर्स ऐसे लगाते हो, एक फोर्स ऐसे लगाते हो, तभी तो बॉटल का कैप देखो ओपन होता है. अब बॉटल का कैप जब ओपन करते हो, पानी का बॉटल, करेक्ट, उसमें फोर्सेस कैसे लगाते हो बच्चों? आप ऐसे लगाते हो ना, करके देखो कभी. यस, जस्ट वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ क्या बोलते हैं, स्टीयरिंग ऑफ अ व्हील. स्टीयरिंग ऑफ व्हील को घुमाने के लिए फोर्स कैसे लगाते हो? एक बार आप उसको इधर पे लेके जाते हो, एक बार आप उसको उधर पे लेके जाते हो, है कि नहीं है? है कि नहीं बच्चों? यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? ठीक, तो टॉर्क ड्यू टू एफ वन कितना हो गया? एफ वन इंटू आर, और एफ टू की वजह से टॉर्क कितना हो गया? एफ टू इंटू आर,
और बिकॉज दोनों सेम डायरेक्शन में रोटेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे यहाँ पे जो नेट टॉर्क होगा दैट विल बी एफ वन प्लस एफ टू इंटू आर। कितने बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई? यस करेक्ट। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू सी डिफरेंट केस, ठीक है। अब सपोज मान लो ये एक मेरी पुली है, लेकिन अब इसी पुली में मैं मान लो यहाँ पर एक 10 न्यूटन का फोर्स ऐसे लगा रहा हूँ और यहाँ पे 5 न्यूटन का फोर्स ऐसे लगा रहा हूँ, तो आपको क्या लगता है किस डायरेक्शन में ये जो पुली है रोटेट करना स्टार्ट कर देगी? सर क्लॉकवाइज। पुली विल स्टार्ट रोटेटिंग क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज दिस विल स्टार्ट रोटेटिंग क्लॉकवाइज। तो देखो यहाँ पर मेरे पास दो फोर्सेज हैं, करेक्ट। आई एम हैविंग टू फोर्सेज ओवर हियर। तो अब देखो टाउ वन इसकी वजह से कितना हुआ 10 इंटू आर, करेक्ट। मेरा रेडियस तो यार ही होगा। और टाउ टू कितना है देखो मेरे पास 5 इंटू आर। अब लेकिन यहाँ पर क्या है, ये 10 न्यूटन वाला इसको ऐसे घुमा रहा है, 5 न्यूटन वाला इसको ऐसे घुमा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम नेट टॉर्क निकालेंगे तो कितना हो जाएगा ये, दिस विल बी हाउ मच 10 माइनस 5 बोथ इनटू आर, 10 आर माइनस 5 आर व्हिच इज 5 इनटू आर। समझ में आई बात? समझ में आई इतनी बात कि नहीं आई? फिर हम लोगों ने कुछ सिमुलेशंस भी देखे थे ना, वी हैव सीन सम सिमुलेशंस आल्सो। सी दिस दिस। तो अभी देखो अभी मेरे पास क्या है, यहाँ पर दिख रहे सब बच्चों को यहाँ पर? यस सर। दिख रहे ना सब बच्चों को? या सो इफ आई जस्ट प्लेस अ रूलर ओवर यू, अब देखो यहाँ पर, ठीक है। तो अब अगर मैं 5 किलो का ब्लॉक मान लो यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है, तो और अगर मैं यहाँ पर इफ आई इसको, हाँ देखो ये इधर पे हो गया, तब बताओ मुझे 10 किलो का ब्लॉक कहाँ पे रखना पड़ेगा सो दैट ये जो रूलर है फिर से स्ट्रेट हो जाए। देखा आपको 5 किलो का ब्लॉक मैंने यहाँ पर ऐसे रखा, ठीक है, तो क्या हो गया ये, दिस गोज इन दिस डायरेक्शन। अब इस डायरेक्शन में क्यों चला गया ये, इस डायरेक्शन में क्यों चला गया, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट अभी यहाँ पर आपने एक फोर्स लगा दिया, एम जी का फोर्स लगा दिया, जिसकी वजह से इसमें एक रोटेशन प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पर हमें, क्योंकि ये जो है ये ऐसे रोटेशन प्रोड्यूस हुआ है, इस वाले पार्ट में हमें ऐसे रोटेशन प्रोड्यूस करना पड़ेगा, करेक्ट। इस वाले पार्ट में हमें ऐसे रोटेशन प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तभी तो जाके ये जो रूलर है ये ऐसा स्ट्रेट हो जाएगा। जब हम यहाँ पर ऐसा रोटेशन प्रोड्यूस करेंगे तभी तो जाके ये रूलर ऐसे स्ट्रेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, करेक्ट। तो अब बताओ मैं यहाँ पर ऐसा रोटेशन प्रोड्यूस कैसे करूंगा। अब ये 5 केजी वाला तो मैंने 2 मीटर वाले मार्क पे रखा है, तो सपोज मैं 10 केजी वाले की बात करूं, 10 केजी वाले को कहां पे रखूं? 10 केजी को एक पे 1 मीटर पे, यस। तो 1 मीटर पे रख के देखते हैं, चलो 10 केजी को 1 मीटर पे आप बोल रहे हो, 1 मीटर पे रख के देखते हैं। इसका मतलब हम इसका इक्वेशन समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी दिस नाउ, तो अभी देखो एकदम बैलेंस्ड है बैलेंस्ड। तो ये क्यों बैलेंस्ड है, अगर आप इसमें एक भी निकाल दोगे ना, देखो निकाल दिया एक भी तुमने, तो व्हाट विल हैपन, इसका बैलेंस खत्म हो जाएगा। अगर इसको हटा दिया तो देखो ये कैसे घूम गया, ये ऐसे घूम गया, ठीक है। तो 5 किलो वाले को फिर 2 के पास आप, अच्छा वैसा हो नहीं रहा है क्या, ठीक है। तो चलो यहाँ पर देखते अभी हाउ दिस इक्वेशन इज वर्किंग। तो यहाँ पर देखो आपको जो एक्सपेरिमेंट होगा जो प्रैक्टिकल आएगा उसमें इसी टाइप के आपको केस स्टडी दिया जाएगा कि 5 ग्राम का है 10 ग्राम का, 5 ग्राम का 2 पे लटका रही है तो 10 ग्राम का कहाँ पे लटकाओगे, सो दैट दिस थिंग इज बैलेंस्ड, दिस इज इन बैलेंस्ड स्टेट, ठीक है। तब देखो अभी हम क्या बोल सकते हैं 5, अच्छा यहाँ पे किलोग्राम वेट, तो किलोग्राम वेट जो है, किलोग्राम वेट ये किसका यूनिट है, ये फोर्स का यूनिट होता है किलोग्राम वेट, ठीक है। तो 5 किलोग्राम वेट इंटू डिस्टेंस कितना है 2, तो यहाँ पर देखो टॉर्क कितना लग रहा है, इतना लग रहा है, करेक्ट। तो अभी 10 किलोग्राम वेट वाला फोर्स जो है ये कितने डिस्टेंस पे रखोगे सो दैट टॉर्क जो है इसके बराबर हो जाए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं कितना 10 किलोग्राम वेट इंटू एक्स मीटर्स पे रखा है मान लो मैंने,
ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो, कितनी होनी चाहिए, सो दैट दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू 10 किलोग्राम वेट इनटू मीटर्स. अब देखो यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है ये 10 इनटू x किलोग्राम वेट इनटू मीटर, तो इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बच्चा, x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए इस इक्वेशन से बताओ मुझे, x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए ना, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है सर? वो क्या लिखा है, 5 into 2 is equal to 10 किलोग्राम वेट इनटू मीटर. देखो टॉर्क का यूनिट क्या होगा, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो फोर्स का यूनिट क्या हो गया, फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन, करेक्ट. आर का यूनिट क्या हो गया, मीटर, तो न्यूटन इनटू मीटर इज द यूनिट. सर वो पता है पर वो डब्ल्यू समझ में नहीं आ रहा. हाँ तो ये जो है किलोग्राम वेट, किलोग्राम वेट मतलब फोर्स का ही यूनिट है, 1 किलोग्राम वेट मैंने आपको बताया था कितना होता है, मालूम है किसी को कितना होता है 1 किलोग्राम वेट, कितने न्यूटन के बराबर होता है? देखो आप mg लिखते हो ना, mg, तो 1 kg का को अगर आपको मतलब ऐसे लिखना, 1 mg में मतलब अर्थ कितना फोर्स एग्जर्ट कर रहा होगा, तो 1 kg पे 9.8 न्यूटन का, करेक्ट. 2 kg पे कितना लगा रहा होगा, 9.8 into 2. 3 kg पे कितना लगा रहा होगा, 9.8 into 3. ठीक है, तो 1 किलोग्राम वेट इज एक्चुअली इक्वल टू 9.8 न्यूटन. और केजी वेट बेसिकली क्या है, फोर्स विद विच अर्थ इज अट्रैक्टिंग अस, कितने फोर्स से अर्थ किसी चीज को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, दैट इज 1 किलोग्राम वेट. तो 1 किलोग्राम वेट को अर्थ कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा होगा, 9.8. 2 किलोग्राम को कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा होगा, 9.8 into 2, 19.6 हो गया. ये समझी बात की नहीं, समझी, समझी बात की नहीं, समझी सर. किसी को कुछ डाउट है? नहीं सर. किसी बच्चे को कुछ डाउट है? तो चलो अभी एक केस करके देखते हैं यहाँ पर. अभी समझो मैंने यहाँ पर ना 10 केजी को हटा दो अभी, ठीक है, मैंने 5 केजी के दो ब्लॉक्स यहाँ पे ऐसे रख दिए, एक 5 केजी का यहाँ पे रखा है, एक 5 केजी का यहाँ पे रखा है. अब बताओ 10 केजी के, ओके आई विल रिकॉर्ड दिस, तब इसको बैलेंस करके जो आएगा वो भेजना है क्या? यस, तो बेसिकली आपको सबको समझाना क्या करना है यहाँ पर, 5 केजी और 5 केजी दो ब्लॉक्स हैं. अभी मैंने एक को 2 पे रखा है, 2 वाले मार्क पे, एक को 1 वाले मार्क पे रखा है, तो 10 केजी वाले ब्लॉक को कहाँ पे रखूं, सो दैट द सिस्टम इज अगेन लाइक दिस. ठीक है, बताओ जल्दी सर. तो अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, दैट इस तरह के आपको होमी बाबा के प्रैक्टिकल में भी आपको पूछता है, होमी बाबा प्रैक्टिकल में भी आपको आस्क यू दीज कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, तो चलो देखो यहाँ पर, तो बेसिकली यहाँ पर इस साइड जो रहेगा, इस साइड यहाँ पे देखो ये एक फोर्स लग रहा है और ये एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो ये इसको ऐसे रोटेट करेगा ना, तो ये इसको हम बोल देते हैं टाउ बोल देते हैं टॉर्क. यहाँ पे टॉर्क देखते कितना लग रहा है, देखो एक किसकी वजह से लग रहा है, एक किसकी वजह से लग रहा है और एक किसकी वजह से लग रहा है, दोनों फोर्सेस सेमी डायरेक्शन में रोटेशन प्रोड्यूस कर रहे होंगे, करेक्ट. तो इसको अगर मैं बोल देता हूँ tau 1, इसको बोल देता हूँ tau 2, तो दोनों का एडिशन हो जाएगा tau, करेक्ट, दिस tau. तो दिस इज अगेन दिस ग्रीक लेटर जिसको tau बोलते हैं, ठीक. सो यहाँ पर देखो tau 1 कितना होगा मेरा, 5 into 2, और यहाँ पे tau 2 कितना होगा, अगेन 5 into 1 हो जाएगा, करेक्ट. तो ये जो tau था कितना आ गया, 15. और इसका यूनिट क्या होगा बच्चों, केजी वेट इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस यहाँ पे आपका मीटर्स में, तो केजी वेट मीटर हो सकता है. अगर ये ग्राम में होता तो इसको हम ग्राम मीटर लिख लेते हैं, करेक्ट. अगर ये ग्राम में होता तो इसको हम ग्राम वेट इनटू मीटर लिख लेते हैं, ठीक है. तो ये कितना आ गया, 15 केजी वेट इनटू मीटर, ठीक है. अब हमें यहाँ पे क्या, कौन सा ब्लॉक, ये कौन सा पुट करना है, 10 केजी को पुट करना है, तो 10 केजी को कहाँ पे पुट करेंगे, देखो ठीक है, 10 केजी को कहाँ पे पुट करेंगे, अगर ठीक, तो देखो तो 10 केजी के लिए अगेन टाउ इतना ही लगना चाहिए, 10 केजी वाला जो वेट है आपका, इट शुड एग्जर्ट टॉर्क ऑफ टाउ इन दिस डायरेक्शन ना, तभी तो इस टॉर्क को यह टॉर्क बैलेंस कर लेगा ना, करेक्ट. तो ये जो टाउ हो जाएगा कितना हो जाएगा, अगेन
फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एफ इंटू आर, तो ये खैर लिखने की जरूरत नहीं, अभी तक मालूम ही होगा टॉर्क एफ इंटू आर होता है, तो ये टॉर्क होगा 15 केजी वेट इंटू मीटर, ठीक है, ये कितना है, ये 10 केजी वेट इंटू एक्स मीटर्स, करेक्ट, तो केजी वेट कैंसल्स, ठीक, तो ये एक्स कितना हो जाएगा मेरा, एक्स हो जाएगा 1.5 meters, x कितना हो गया मेरा, x हो गया 1.5 मीटर, तो इसको देखो अगर मान लो मैं आपको करके दिखाता हूँ, 2.5 पे रखोगे तो ये बैलेंस नहीं होगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे पुट कर दो जरा, हो गया बैलेंस, हो गया बैलेंस कि नहीं हो गया, इसको स्लाइटली कहीं और शिफ्ट, इसको स्लाइटली और कहीं पे शिफ्ट करोगे ना तो बैलेंस नहीं कर पाएगा इसको, इसको अगर मान लो मैं 1 पे रख देता हूँ अभी कुछ नहीं होगा, इसको अगर मैं यहाँ कुछ नहीं, थोड़ा सा ऊपर उठा ना, ठीक है, इसको अगर आप इधर पे रख दोगे ये भी, ये इस साइड का टॉर्क ज्यादा हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दैट मीन्स हमें इसको पूरा पूरा बराबर यहाँ पर ही रखना पड़ेगा, दैट मीन्स जो आप सब्जी वाले देखते हैं ना, सब्जी वाले जो बैलेंस करते हैं सब्जी को, इधर वेट इधर इधर सब्जी आपका भाजी भाजी पाड़ी जो भी आप खरीदते हो, तो वो भी एक्चुअली दैट इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग, वहाँ पे फोर्सेस आर डेफिनेटली इक्वल बट वहाँ पे टॉर्क्स आर गेटिंग इक्वल, दोनों पैन में क्या इक्वल हो रहा है, टॉर्क इक्वल हो रहा है वहाँ पे, ठीक है, ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं है, तो अगर एक आर्म लंबा हो एक आर्म छोटा हो उससे भी मतलब आपको फोर्स पे कुछ फर्क पड़ सकता है उससे, तो इसीलिए देखो दोनों आर्म इक्वल होते हैं उसमें, जो बैलेंसिंग ये रहता है ना, बैलेंसिंग पैन बैलेंस जिसको आप बोलते हो, दोनों आर्म्स इक्वल रहते हैं, समझ में आई बात बच्चों की नहीं आई? यस सर, सर मेरा बराबर है क्या, सही लग रहा है आपका, सही लग रहा है, देखो बच्चों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यस, तो टॉर्क नहीं, नहीं शिवांग आपका थोड़ा गड़बड़ हो गया, अदरवाइज सुरुजा का सही लग रहा है, यूनिट नहीं लिखा अंडा आपने, ठीक है, तो 8 न्यूटन का फोर्स और 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट एट विच इट इज पिवटेड, तो बस टॉर्क कितना हो जाएगा यहाँ पर, टॉर्क विल बी हाउ मच, ये पिवटेड वाला पॉइंट है और ये आपने 8 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, ये 20 सेंटीमीटर मतलब कितना हो, 0.2 मीटर, इस पॉइंट को कैसे घुमाएगा, ये ऐसे घुमा देगा, ठीक है, तो क्योंकि घुमा रहे इसको तो यहाँ पे टॉर्क हो गया, टॉर्क कितना हो गया, फोर्स एफ इंटू आर, फोर्स इज 8, आर इज 0.2 विच इज 1.6, टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन इंटू मीटर, विच इज राइट एट न्यूटन मीटर, सर मैंने गड़बड़ कर दिया, मैंने इंटू के अलावा वो डिवाइड कर दिया, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, यस जल्दी से इसका बताओ, ओके जल्दी से क्वेश्चन का बताओ, सर मैंने भेजा है वो गलती से न्यूटन लिख दिया था, पर वो करेक्शन कर दिया, अब देखो इसमें ओके लेट मी सी, लग तो सही रहा है, दिस विल बी यस, तो मेरे हिसाब से या अदिति का सही है, अर्णव का थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, शिवांग का सही लग रहा है मुझे, अर्णव का थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, सृजा का भी गड़बड़ हो गया, बच्चे यूनिट बस आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर क्या क्या दिया आपको, फोर्स दिया है, फोर्स 10 न्यूटन का प्रोड्यूसेस अ टॉर्क ऑफ 5 न्यूटन मीटर, देखो सिंपल है, फोर्स दिया हुआ है 10 न्यूटन का और एक्स फाइंड करना है, और ये जो जो घुमा रहा है ये विद सम टॉर्क, टॉर्क दिया हुआ है आपको 5 न्यूटन मीटर, ठीक है, नहीं एक सेकंड, सृजा का आई थिंक सही है, तो किसने किसने सही किया मैं बाद में बताता हूँ, तो यहाँ पे टॉर्क कितना होगा, टॉर्क हो गया एफ इंटू आर, करेक्ट, टॉर्क आपको दिया हुआ है 5 न्यूटन मीटर, फोर्स एफ इज 10 न्यूटन इंटू आर, दिस इज रेडियस, तो यहाँ पे रेडियस हो गया 0.5, तो अगर आपका 0.5 आया तो सही है आपका आंसर, तो मैंने आई थिंक उल्टा बोल दिया, तो किसने किसने सही दिया है, अर्णव ने सही दिया था, सृजा ने सही दिया था, करेक्ट, शिवांग और अदिति ने गड़बड़ कर दिया था, ठीक है,
समझे ना, तो ये सिंपल से क्वेश्चन है इसके, आपको पूछ सकता है, टॉर्च पूछ ले, या चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको एक दो चीज और इससे रिलेटेड बता देता हूँ। ओके जल्दी से बताओ बच्चों इसका आंसर कितना होगा। यस बच्चों कितना आ रहा है? सर एक मिनट। हाँ बताओ जल्दी से बताओ। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो ये आपका हो गया, क्या हो गया ये, यहाँ पर आपका ये स्क्रू हो गया ना, दिस इज अ स्क्रू ओवर हियर। सर एक सेकंड रुकोगे क्या? हाँ रुका रुका, चलो ये स्क्रू थोड़ा अजीब सा बन गया, अच्छा बनाते तब तक। तो आपका स्क्रू ऐसा रहता है ऑलमोस्ट। इसको स्पैमर भी बोलते हैं ना, स्पैनर या स्पैमर, ठीक। तो पाना जिसको बोलते हैं ना, आई थिंक सर मैंने भेजा है शिवांग ना, शिवांग थोड़ा गड़बड़ लग रहा है मुझे आपका। ठीक है देखो कितना आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर कितना बोले, 120 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितना है, दिस इज 0.4 मीटर। अच्छा आपने कभी ये देखा है क्या कि कभी कभी बहुत ये जो क्या बोलते हैं जो मैकेनिक होते हैं जो पंचर और ये सब बनाते हैं, इनके पास कभी आप जाओगे ना तो इनके पास देखो अलग अलग लेंथ के स्पैनर रहते हैं, अलग अलग लेंथ के रहते। तो बड़ा वाला तो बहुत ज्यादा टाइट स्क्रू है तो इसको वो बहुत बड़े वाले स्पैनर से खोलते हैं, इफ यू हैव एवर ऑब्जर्व दैट। अभी नेक्स्ट टाइम ऑब्जर्व करना इस चीज को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टॉर्क कितना लगेगा, यहाँ पे टॉर्क लगेगा 120 इंटू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर एफ इंटू आर, ठीक है। तो 120 इंटू 0.4 मैंने आपको भेजा है, 48 न्यूटन मीटर। अभी सही है ऋग्वेद, वेरी गुड, ठीक है 48 न्यूटन मीटर। अब क्या बोल रहे हैं वो कि अभी अगर हमें 40 न्यूटन का केवल फोर्स लगाना है तो ये एक्स कितना हो जाना चाहिए, करेक्ट। अगर मान लो मेरा ये जो फोर्स है इंस्टेड ऑफ दिस ये मेरा 40 न्यूटन हो जाए तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी। तो एक्चुअली देखो यहाँ पे वैल्यूज को इंटरचेंज कर देना है बस, आपको और कुछ नहीं करना है, बट ठीक है लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट द वे वी सॉल्व इट। तो यहाँ पे भी टॉर्क आपको पता चल गया, इसको खोलने के लिए टॉर्क कितना लग रहा है, 48 न्यूटन मीटर का टॉर्क लग रहा है, ठीक है। तो टॉर्क तो इतना ही लगाना है, टॉर्क हमें कितना लगाना है, 48 न्यूटन मीटर का ही टॉर्क लगाना है। और दिस शुड बी इक्वल टू फोर्स, फोर्स हमें दिया हुआ है, फोर्स कितना दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है 40 न्यूटन, और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, एक्स मीटर्स, ठीक है। तो या या तो x कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 48 अपॉन 4 विच इज 4 वन 4 40 ना इंटू 10 कर दें आप, 4 वन 4 4 दिस 1.2 मीटर, ठीक है। x की वैल्यू देखो इतनी आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आया इसका आंसर सर 2 मिनट सॉल्व कर रहे हो।
करो जल्दी से। अभी मैंने आपको अभी जो हमने ये जो एक्सपेरिमेंट किया वेरी सिमिलर टू दिस एक्चुअली फिर से वेरी सिमिलर टू दिस ठीक है। यहाँ पे हमें यहाँ पे इसका वेट भी कंसीडर करना पड़ेगा ठीक। तो अभी क्योंकि देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हमने वेट को नहीं कंसीडर किया था क्योंकि हमने इसको एकदम इसके मिड पॉइंट से ही बांध दिया है। तो देयर समथिंग कॉल्ड अ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास तो मालूम होगा ना, सेंटर ऑफ मास करेक्ट। तो यहाँ पे इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो ऑलमोस्ट देखो इसके मिड पॉइंट से पास होता हुआ जा रहा है ठीक है। सो व्हाट हैपेंस यहाँ पे ये डिस्टेंस कितनी हो गई, अब हमारी ये डिस्टेंस हो गई 30, ये डिस्टेंस हो गई 0.3 और ये डिस्टेंस हो गई, ये डिस्टेंस हो गई 0.2 ठीक है। ये 30 और ये 50 पर है ना। देखो सी ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा किसी भी चीज का वो तो एकदम उसके सेंटर पर होगा ना। जैसे अगर मान लो कोई सर्कल लेते हो तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होता है, एकदम बीचों बीच में होता है ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सर्कल एकदम इसके मिड पॉइंट पर होता है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एकदम इसके मिड पॉइंट पर होगा ठीक है। ठीक है ना, यस बच्चों ठीक है कि नहीं? यस सर। ओके तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी 50 सेंटीमीटर वाले मार्क पर होगा ठीक। तो ये पॉइंट हो गया। तो अब देखो ये वेट इसको ऐसे रोटेट कर रहा है, ये वेट इसको ऐसे रोटेट कर रहा है। अब बता नहीं सकते भी W1 की वैल्यू कितनी होगी। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ W1? कैन यू प्रेडिक्ट नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ W1? तो W2 इंटू इसको बोल देते हैं X1, इसको बोल देते हैं X2, W2 इंटू X1 इक्वल्स टू W1 इंटू X2, ये इक्वल होने चाहिए करेक्ट। W1 into X1, this should be equal to... सर, नहीं समझा, आप पहले से बताओगे क्या? Okay. देखो बेसिकली हमें क्या करना है यहाँ पे, दोनों के टॉर्क्स जो है उनको इक्वल कर देना है ठीक है। फिर से देखो इसको एकदम स्टार्टिंग से देखो, तो इसका ये जो रूलर है ठीक, इसको सस्पेंड कहाँ से किया है तुमने अभी? इसको सस्पेंड किया कहीं तो यहाँ से, इसको मिड पॉइंट से भी नहीं सस्पेंड किया ठीक है। तो इस रूलर का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझते हो क्या होता है, वो वाला पॉइंट जहां पर इसका सारा का सारा वेट बैलेंस्ड होगा करेक्ट। तो वो वाला पॉइंट इस रूलर में कहां पर है? ऑलमोस्ट कहीं तो इस पॉइंट पर, 50 वाले मार्क पर होगा इसका जो मिड पॉइंट होगा करेक्ट। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जनरली मिड पॉइंट्स पर रहता है, तो ये हो गया 50 वाला मार्क, 50 सेंटीमीटर वाला मार्क। तो ये वाला मार्क कितना, ये वाला मार्क कितना है 30 सेंटीमीटर का है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, कितना हो गया ये डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर हो गया। और ये डिस्टेंस कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। और वेट देखो कहां पे कैसे लगाया, ये W1 वेट, ये W2 जो भी वेट है, ये W2 ये हो गया, W1 ये हो गया ठीक। अब मान लेते हैं इस लेंथ को A, इस लेंथ को कितना मान लेते हैं, इस लेंथ को मान लेते हैं A और इस लेंथ को मान लेते हैं B। तो अब देखो यहाँ पे टॉर्क कितना लग रहा होगा, यहाँ पे जो टॉर्क लग रहा होगा वो लग रहा होगा W2 इंटू A, W2 इंटू A, दिस विल बी द टॉर्क ठीक है। यहाँ पे टॉर्क कितना लग रहा है W1 इंटू बी, तो जितना टॉर्क यहाँ पे लग रहा हो, समझा ना, जितना टॉर्क यहाँ पे लग रहा है उतना ही टॉर्क यहाँ पे भी लगना चाहिए। तो दिस शुड बी इक्वल टू W1 इंटू बी, जितना टॉर्क यहाँ पे लग रहा है उतना ही टॉर्क यहाँ पे लगना चाहिए। तो अब यहाँ पर आपको टॉर्क एज सच, आई मीन यू कैन जस्ट पुट द वैल्यूज, W2 आपको दिया 60 ग्राम वेट है, ए आपको दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जो यूनिट्स लोगे वो यूनिट्स यहाँ पर भी आपको लेनी है ठीक है। तो यहाँ पे W1 इंटू यू गेट 20 सेंटीमीटर, तो आई थिंक 20 दिस गिव्स अस 1.5, दिस इज हाउ मच,
60 into 3 by 2 कितना हुआ 30, दैट इज 90 ग्राम वेट। तो यहाँ पर आपको 90 ग्राम्स का दिस जो वेट होगा इसके वो 90 ग्राम्स के आसपास होगा। समझ रहे हो कि नहीं सर? उधर 60 ग्राम वेट क्यों लिया? कि दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया हुआ ना वो 60 ग्राम वेट ही है। अच्छा सर, सर ओके सर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखें फिर आई थिंक वी विल एंड दिस। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले तो बच्चों एक डायग्राम पर निकाला करो, कोई भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो फिजिक्स में उसका एक डायग्राम निकाल लिया करो, ठीक है? तो अभी मान लो ये एक मेरा एक रॉड है, ठीक? तो 1 मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं पहले तो ये बताओ, कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। 100, तो 50 वाला मार्क तो इसके मिड पॉइंट पर होगा, तो यहां से आपने इसको सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंड मतलब कर दिया मतलब क्या, वो लटका दिया है, ठीक है? A known weight of 160 gram weight is tied at 80 centimeter वाला division. तो 80 centimeter वाला जो division है, वो कहीं तो यहाँ पर। यहाँ पे कितना weight आपने लटका दिया है? 160 gram weight. तब 240 वाला gram weight कहाँ पे tie करोगे? Correct. So that मतलब ये it should remain like this vertical. बैलेंस रहना चाहिए, इसको बैलेंस करने के लिए 240 ग्राम वाला वेट कहाँ पे टाई करोगे? नहीं बता सकते हो? बता सकते हैं सर, ये डायग्राम निकालना तो समझ गया सर। समझ गया ना, तो डायग्राम निकाल लिया करो, डायग्राम निकाल लोगे तो तुरंत क्वेश्चन आ जाता है। तो ये 80 मतलब ये तो आपको पता चल गया ये 30 सेंटीमीटर है। अब ये डिस्टेंस आपको निकालना है, ये डिस्टेंस एक्स। तो अब क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं ना, इतने सिंपल क्वेश्चन आएंगे बच्चों देखो, और ये क्वेश्चन अगर आप गलत करके आओगे ठीक है। क्या हो गया 240 into x, करेक्ट? ये जो टॉर्क ऐसे लगा रहा है, ये टॉर्क ऐसे लगा रहा है, शुड बी इक्वल टू 160 into 30, दिस इज व्हाट ग्राम वेट, ग्राम वेट इनटू सेंटीमीटर, इस आल्सो ग्राम वेट इनटू सेंटीमीटर, दोनों साइड सेम ही यूनिट है। सर मैंने भेजा है वो करेक्ट है क्या? भेजा है, एक सेकेंड आपको देखता हूँ मैं, लेटेस्ट चेक, लेटेस्ट चेक। यहाँ से x की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, मैंने वैसे सॉल्व ही कर दिया, इसको देखो कितनी आ रही है x की वैल्यू यहाँ पे। यहाँ पे x की वैल्यू आ जाती है 20 सेंटीमीटर। आई थिंक ऋग्वेद ने सही आंसर भेजा है मुझे, यस। और किसने किसने 20 सेंटीमीटर सही भेजा है? चैट इज वेयर, हाँ तो केवल ऋग्वेद ने भेजा मुझे इसका, ठीक है बच्चों? तो आई होप इसके क्वेश्चन ऐसे ही सिंपली आपसे बन जाने चाहिए अभी, ठीक है? ठीक है कि नहीं? किसी बच्चे को कुछ डाउट है? नहीं सर। चलो सो लेट्स क्विकली सी व्हाट इज सेंटर ऑफ मास। इसमें से एक सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, बस दैट्स इट। आपको बस समझना है सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में एक्चुअली में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है? इसका भी कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है। देखो अगर आप एक बॉल को फेंकते हो या इस तरह के ऑब्जेक्ट को फेंकते हो,
ऊपर, तो देखो इसका पाथ कैसा होगा, इसका पाथ कुछ ऐसा ऐसा आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है इसका पाथ, आई मीन दिस इज नोन एज अ पैराबोलिक पाथ। दिस इज बेसिकली नोन एज अ पैराबोलिक पाथ। ठीक है, ओके, सो बेसिकली दिस इज अ पैरा, ये एक पैराबोलिक पाथ है। ठीक, तो यहां पर देखो अगर आप और मतलब इफ यू जस्ट सी केयरफुली इन दिस डायग्राम, तो ये वाला जो इसका जो सेंटर ऑफ मास है, एक्चुअली जो सेंटर ऑफ मास ये इसको एक्चुअली मैं ऐसे कैरी करके लेके जा रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, अदरवाइज अब इसका पाथ देखोगे तो हो सकता है, एक सेकंड आई थिंक सम या, तो अगर आप मान लो इसको ऐसे फेंकते हो तो आप देखो क्या यहाँ पे देख रहे हो, जो ये जो सेंटर, दिस इज बेसिकली जो इसका सेंटर ऑफ मास है, ये इसको एक्चुअली कैरी करके लेके जा रहा है, और सेंटर ऑफ मास एक्चुअली में ये जो फिक्स ट्रैजेक्टरी है। आप सपोज एक बॉल को फेंकते हो, लेट्स, आप बॉल को अगर मान लो आपने फेंका, ठीक है, अब बॉल का देखो, बॉल का जो आउटर पार्ट हो सकता है इसका कैसा भी ट्रैजेक्टरी रह सकता है, जैसे इसके देखो इसके आउटर पार्ट का कैसा भी ट्रैजेक्टरी रह सकता है ना, ठीक है, इट्स नॉट अ वेरी वेल डिफाइंड ट्रैजेक्टरी बाकी सब पार्ट्स का अगर आप देखोगे तो, ठीक है, लेकिन केवल और केवल सेंटर ऑफ मास वाला जो पार्ट है इसका एक वेल डिफाइंड ट्रैजेक्टरी आ रहा है जो कि पैराबोलिक पाथ आ रहा है। या ऐसा समझो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, वो वाला पॉइंट होता है जो पूरा का पूरा इसका वेट को कैरी करके लेके चलता है इसको, जहां पे पूरा का पूरा वेट उसका हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड है। ओके, एक बहुत सिंपल सा एक्टिविटी आपने किया होगा घर पे, एक रूलर लो, ठीक है, घर में सबके पास रूलर होगा 15 सेंटीमीटर वाला ना, और 7.5 सेंटीमीटर के आसपास आपका यहाँ पर एक फिंगर रखोगे, देखो इफ यू जस्ट कीप योर फिंगर ओवर हियर यहाँ पर, ठीक है, तो आप क्या देखते हो कि ये जो रूलर है ऑलमोस्ट बैलेंस्ड स्टेट में है, करें कभी इस तरह का, और किसी पॉइंट पे रखोगे तो दिस विल नॉट बी इन यू नो इन अ बैलेंस्ड स्टेट, तो 7.5 वाले पॉइंट पर ही क्यों बैलेंस हो रहा है, क्योंकि वहां पर उसका पूरा का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? yes, ठीक है, तो बस यही होता है सेंटर ऑफ मास, करेक्ट। तो अब देखो इसका एक फॉर्मूला देखते हैं, तो आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी शायद समझ में आ जाए। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला, सपोज मेरे पास एक 1 kg का मास है और यहाँ पे मेरे पास एक 2 kg का मास है, तो इसका बता सकते हो सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, इसका सेंटर ऑफ मास इसका कहाँ पर होगा, ये 1 kg का ब्लॉक, ये स्फीयर है, ये 2 kg का स्फीयर है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, कहाँ पर आप थ्रेड इसको सस्पेंड करोगे सो दैट इट डजंट फॉल्स बैक। हाँ यस, कोई कुछ बोल रहा है सर? मतलब समझा नहीं क्या पूछ रहे। इसका इस ये 1 kg का रॉड है, ये 1 kg का स्पीयर है और ये 2 kg का स्पीयर है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा? देखो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, वो वाला पॉइंट जहां पर ये सस्पेंडेड रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप रूलर को लो, रूलर को यहाँ पर ऐसा, रूलर को 15 सेंटीमीटर का रूलर है, तो 7.5 के आसपास उसको जस्ट एक सिंगल पॉइंट पर उसको रखो तो इट विल गेट बैलेंस। वेट, आई विल शो यू, मे बी आई कैन शो इट दिस टू यू, एक मिनट रुकना। मैं आपको क्या बता रहा था, ये स्केल है, ठीक है, अब इस स्केल में ऑलमोस्ट देखो एक ये वाला पॉइंट ऑलमोस्ट, अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसे रखता हूँ इसको ऐसा, तो ये बैलेंस्ड स्टेट में, देख रहे हैं आपको स्केल, दिस रूलर इज इन अ बैलेंस्ड स्टेट, अगर मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ बैलेंस नहीं हो पा रहा है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये केवल एक और केवल एक पॉइंट पर बैलेंस होगा, और ये कौन सा पॉइंट है, वो वाला पॉइंट जहां पर इसका पूरा का पूरा वेट कॉन्सेंट्रेटेड है, और कहीं पर आप इसको इस तरह से बैलेंस नहीं कर सकते हो एक फिंगर पर, ये सब बच्चों ने किया होगा, यू माइट हैव प्लेड इट विद इट लाइक दिस, ठीक है ना, तो ये वाला जो पॉइंट है जहां पर ये वाला जो पॉइंट है जहां पर ये जो रूलर है इट इज गेटिंग बैलेंस्ड, दैट पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ मास। तो इसका एक जल्दी से फॉर्मूला देख लेते हैं,
ओके तो यस, तो जैसे अदिति ने बताया, अदिति ने इसका बताया कि टू थर्ड वाली लेंथ पर इसका सेंटर ऑफ मास ऑलमोस्ट कहीं तो मिलेगा हमें। तो बेसिकली सेंटर ऑफ मास हमेशा याद रखो, जो हैवी वाला ऑब्जेक्ट होता है ना उसकी तरफ ज्यादा रहता है, सेंटर ऑफ मास जो होता है ना वो हैवी वाले ऑब्जेक्ट की तरफ रहता है। ठीक है, आप इसको एक्चुअली इससे भी सॉल्व करके देख सकते हो, जो हमने ऊपर देखा ना मोमेंट ऑफ फोर्स वाले, उस कंसेप्ट से भी कर सकते हो। ये तो इसका एक जस्ट एक फॉर्मूला, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। एम वन, सपोज इसका सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट पर है, ठीक है, तो ये लेंथ मान लेते हैं एक्स वन और ये लेंथ मान लेते हैं एक्स टू। इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये इसको मान लेते हैं एम वन, इसको मान लेते हैं एम टू। तो फॉर्मूला हो जाएगा एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू अपॉन एम वन प्लस एम टू, हो गया एक्स सेंटर ऑफ मास की पोजिशन। ठीक है, समझ में आई बात की नहीं आई, समझी बात की नहीं समझी? इसी तरह का मान लो मेरे पास तीन मास है, वन टू थ्री, आपस में सब कनेक्टेड, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कुछ इस तरह से होगा m1 m2 m3। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, आई विल जस्ट टेक इन, एक ही एक्सिस पर हम लेंगे अभी, नॉट कॉम्प्लिकेट द थिंग्स ओवर हियर। ठीक है, ये मान लो m3, तीन अभी तीन मास है, तो इसका सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m1 x1, मतलब अभी समझो This is my, अच्छा ओके, एक काम करो, इसको यहाँ पर इसको x1 इसको ऐसे ले ले लो आप, देखो यहाँ पे क्या करो आप, इसको x एक्सिस पकड़ लो आपका, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस हो गई तुम्हारी ये हो गई x1 और ये जो डिस्टेंस हो गई होगी तुम्हारी x2। ये एक्चुअली ओरिजिन से आपका ऐसा आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप इसको ये वाई एक्सिस हो गया तुम्हारा, ये क्या हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया तुम्हारा ना, तो यहाँ पे एम वन की डिस्टेंस कितनी हो गई एक्स वन, एम टू की डिस्टेंस कितनी हो गई एक्स टू, एम थ्री की डिस्टेंस कितनी हो गई एक्स थ्री हो गई, समझ रहे हो ना? तो एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू प्लस एम थ्री एक्स थ्री अपॉन एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री, ये हो गया एक्स कॉम यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ मास, समझी बात बच्चों? सेंटर ऑफ मास क्या होता है, और सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में देयर इज स्लाइट डिफरेंस। देखो मैंने आपको क्यों ये फॉर्मूला यहाँ पे मास लिख के बताया है, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी में इंस्टेड ऑफ मास व्हाट वी टेक इज वेट। सेंटर ऑफ ग्रेविटी में हम क्या लेते हैं, मास की जगह लेते हैं वेट, बस यही डिफरेंस, और कुछ डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो अब देखो, अब वेट हम ले रहे हैं तो मतलब जब हम स्पेस में जाएंगे जहां पे जीरो ग्रेविटी है, तो वहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो जीरो हो जाएगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास कभी भी जीरो नहीं होगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? क्योंकि जब हम ग्रेविटी में जाते हैं, मतलब अंतरिक्ष में जाते हैं जहां पर देयर इज अ जीरो ग्रेविटी थिंग, तो वहां पे वेट जीरो हो जाता है, वहां पे वेट जीरो हो जाता है बट मास जीरो नहीं होता है। सो दैट वाज द होल डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बट सेंटर ऑफ मास इज वेरी इंट्यूटिव थिंग, आप उसको मतलब इंट्यूशन से भी बता सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्क्वायर है, स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, स्क्वायर का सेंटर मास एकदम इसके बीचों बीच में होगा, इस पॉइंट पर। सर्कल का कहाँ पर होगा, एकदम इसके इस पॉइंट पर होगा। ठीक है, तो इसको आप इंट्यूटिवली भी बता सकते हो सेंटर ऑफ दिस, सेंटर ऑफ मास को। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आपकी बुक खोल के देखना, उसमें कुछ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का सेंटर ऑफ मास दिया हुआ है। ठीक है, तो किसी बच्चे को यहाँ तक कुछ डाउट है जो आज हमने किया? तो इसमें आपको अगर वो मान लो पूछ ले सेंटर ऑफ मास, स्क्वायर वाला नहीं, उसके ऊपर का वो x एक्सिस y एक्सिस, ये इससे देखो, ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, अब अगर मान लो 1 kg का मास x1 डिस्टेंस पे रखा है, 2 kg का मास x2 डिस्टेंस पे रखा है, तो x कॉम मतलब हुआ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास व्हिच इज सिचुएटेड ऑन x एक्सिस। यहां पे सेंटर ऑफ मास ऑब्वियसली हम x एक्सिस पर कंसीडर कर रहे हैं, करेक्ट, क्योंकि y एक्सिस के अलोंग मासेस चेंज ही नहीं हो रहे हैं, करेक्ट। तो यहाँ पर जो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन होगा वो हम इस तरह से लिखते हैं m1 x1 plus m2 x2 upon m1 plus m2। तो यहाँ पे एक्चुअली आप
जब वैल्यूज पुट करके देखोगे, देखो यहाँ पे मैंने आपको ऐसे लिया था ना, ये m1 था, ये 2m था ना, तो इसका देखो सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, ये हो गया x1 और ये है मेरा x2, ठीक है। तो x कॉम कितना हुआ, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2 ना, लेकिन ये मेरा m है, ये 2m है, और मान लो इसको इसको 1 मीटर ले लेते हैं, इसको 3 मीटर ले लेते हैं, तो मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर है, ऐसा समझ लो। तो m1 मान लो ये 1 kg ले लो, ये 2 kg ले लो, ठीक है। तो 1 into 1 प्लस 2 into कितना हो गया 3, 2 into 3 हो गया ना, ओके अपॉन 3 कितना हुआ, ये देखो 1 प्लस 6 अपॉन 3 विच इज 7 बाई 3। तो देखो 7 बाई 3 का मतलब कितना हुआ, 7 बाई 3 का मतलब कितना हुआ, 7 बाई 3 का मतलब हुआ ऑलमोस्ट वही जो आपने मुझे बताया था, ये तो 2 मीटर हो गया ना, दिस इज 2 मीटर्स, दिस इज 1 मीटर ओवर हियर, 7 बाई 3 इज ऑलमोस्ट 7 बाई 3 इज 2.33 ना, 2.33 के आसपास आता है। तो 2.33 मतलब कितना होगा, 2 यहाँ पर हो गया और 2.33 मतलब 2.33 यहाँ पर कहीं तो होगा, ये होगा विच कुड अदरवाइज वुड बी 1.33। अगर आप इसको ऐसे सिस्टम को ऐसे लोगे तो इट विल बी 1.33 मीटर्स मीटर्स पर रहेगा ये, ठीक है। समझा सुरुजा, कौन था आदित्य? यस सर, गॉट इट। तो दैट मींस एट दिस पॉइंट इट विल ऑलवेज बी बैलेंस्ड, करेक्ट, एट दिस पॉइंट इट विल बी। बट ठीक है, आपको देखो आई विल नॉट से आपको फॉर्मूला इतना रटना है और ये सब चीज है, बट आपको समझना है यहाँ पे सेंटर ऑफ मास क्या होता है, बस वो आपको उसका डेफिनेशन पता रहना चाहिए कि वो वाला पॉइंट जहाँ पर सारा का सारा वेट उसका कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, और कुछ रेगुलर ऑब्जेक्ट्स का सेंटर ऑफ मास आपको पता रहना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी देखो ये एक रेगुलर ऑब्जेक्ट हो गया, स्क्वायर सर्कल एंड ऑल दैट, तो इसका एकदम इसका सेंटर पर रहेगा, ठीक है। देन सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ वेट, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ वेट, करेक्ट। तो सेंटर ऑफ मास में हम मासेस कंसीडर करते हैं, सेंटर ऑफ वेट में हम वेट कंसीडर करते हैं, मतलब जब आप सेंटर ऑफ वेट निकाल रहे होगे तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ मास आप क्या लोगे, इसका वेट लोगे, समझ में आ रही है बात, यहाँ पर आप क्या लोगे, इसका वेट लोगे, सेंटर ऑफ मास की जगह आप इसका सेंटर ऑफ वेट ले लेना बस, और कुछ इसमें इतना स्पेशल चीज नहीं है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास जब आप स्पेस में जाओगे तो सेंटर ऑफ मास जीरो नहीं होगा, बट सेंटर ऑफ वेट जीरो हो जाएगा आपका। तो ये सब कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिसपे आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैंने जैसे बोला फॉर्मूला एट योर लेवल आई डोंट थिंक सो इस पर आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा भी, ठीक है, पर एटलीस्ट आप कंसेप्ट समझ के रखो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ वेट होता क्या है, ठीक है। तो इस पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में और थोड़ी चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए आई थिंक वी शुड एंड दिस सेशन।